तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, मतलब आपको मैं ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है हेयर्स का। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि चारकोल में हेयर्स कैसे बनाया जाता है, रियलिस्टिक हेयर्स कैसे बनाया जाता है। तो मैं आज ही वो आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके में आपको बताने वाला हूँ कि हेयर्स कैसे बनाया जाता है। तो कैमलिन का चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे जो कि है ये सॉफ्ट वाला। अच्छा तो ये वाला यूज़ करने वाले हैं। और ये जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा पतला पेपर है, जेरोक्स पेपर, तो देखते ही यहाँ पर कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए अभी हेयर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, मतलब आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो आउटलाइन के लिए मैं बेसिक सिर्फ फ्री हैंड ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आउटलाइन के लिए क्या ही ग्रिड यूज़ करें, तो बस फ्री हैंड बना रहा हूँ। तो आपको अगर पता चले कि मैं किसका हेयर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो आप ऊपर में जो थ्री डॉट्स है वहाँ पर जाके स्पीड कम कर सकते हो। और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आए। नहीं और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है तो लास्ट तक देखिए, सिनेमेटिक देख के ही जाना। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इफेक्ट दिखाया है, मतलब असली वाला ड्राइंग जो है वो सिनेमेटिक में ही देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि चारकोल पेंसिल से कैसे ड्रॉ करें हेयर को। कुछ ऐसे मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप रियलिस्टिक हेयर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला तो टिप है वो है जी, आपको चारकोल पेंसिल को शार्प रखना पड़ेगा, फुल शार्प रखना पड़ेगा। कहीं पर भी अगर आपका शार्पनेस गया तो आपका हेयर ख़राब हो जाएगा, आपको दिखने को भी नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट में आप रिजल्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा। और जब आप शार्प करके करके करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो चारकोल पेंसिल को हमेशा शार्प रखना, और शार्प करने के लिए शार्पनर का यूज़ मत करना। अगर शार्पनर का यूज़ करोगे तो शार्पनर आपका एक बार में ही ख़राब हो जाएगा, और कोई भी शार्पनर नहीं बना कि चारकोल पेंसिल को शार्प कर सके। वो तो आप वीडियो में अच्छे से देखते हो इसलिए आपको पता चलेगा कि वीडियो के लिए लोग शार्पनर का यूज़ करते हैं, पर शार्पनर का यूज़ मत करना अगर आपको शार्पनर से प्यार है तो। अगर आपके पास बहुत सारा शार्पनर है तो आप यूज़ कर सकते हो, वैसे तो आप नॉर्मल कटर का भी यूज़ कर सकते हो, उससे ही मैं करता हूँ। तो शार्पनर का यूज़ मत करना और पेंसिल को हमेशा शार्प रखना, ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि आपको हेयर के डायरेक्शन को देखना है, हेयर कहाँ पर किस डायरेक्शन में है। मैक्सिमम आपको एक एक हेयर नहीं देखना, आपको देखना है कि मैक्सिमम जो हेयर्स है वो किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, उस डायरेक्शन को आपको देखना है। और मैक्सिमम जो हेयर्स है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ध्यान में रखना है। देखिए मैं यहाँ पर व्हाइट व्हाइट जगह भी छोड़ रहा हूँ। और आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं, खींचना नहीं है, आपको शेड नहीं करना, आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत ही ज़्यादा स्लो में रखा है, तो आपको अच्छे से आसानी से पता चल गया होगा। तो हेयर्स बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। तो बस आपको पेंसिल को शार्प रखना है, हाईलाइट का ध्यान रखना है, और जो स्ट्रोक्स है हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक देना है। तो यहाँ पर बस फर्स्ट लेयर में यही करना है। अगर आप ग्रेफाइट से बना रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर स्टेप फिर भी सेम ही रहेगा। और ग्रेफाइट में थोड़ा सा ये होता है कि आपको डिटेलिंग करने में थोड़ी सी आसानी होती है, क्योंकि ग्रेफाइट इतनी जल्दी से शार्पनेस नहीं खोता अपना, और चारकोल बहुत ही जल्दी शार्पनेस खो देता है। तो बार बार आपको शार्प करते रहना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। पर चारकोल में जितनी जल्दी होता है उतना ग्रेफाइट में जल्दी नहीं होता। ग्रेफाइट में बहुत सारे लेयर्स लगाने पड़ते हैं, चारकोल में बेसिकली आपको एक लेयर या दो लेयर में ही काम चल जाता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि बनना स्टार्ट हो चुका है ये, और रेफरेंस के मुताबिक आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हो। मैंने रेफरेंस क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस तो बनना चाहिए ना कि कौन है ये, आपको ये मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा ये कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं हाईलाइट को देख रहा हूँ और हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा जा रहा हूँ, और पेंसिल को शार्प रखो, बस यही करना है। पहले लेयर में तो बस आपको यही करना है। और जो एक एक आपको हेयर नहीं देखना, ये हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग अगर आप नहीं बना रहे हो तो आपको एक एक हेयर्स नहीं देखने, मैक्सिमम हेयर का डायरेक्शन है वही आपको देखना है। तो मैं नॉर्मल सा ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो किसी भी ब्लेंडिंग चीज़ का यूज़ कर सकते हो, पर मैं रेफ़र करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप मेकअप ब्रश का ही यूज़ करो।
ताकि आपको हाईलाइट देने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग कैसे कर रहा हूँ, जहाँ पर हेयर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेंडिंग करनी है, जहाँ पर आपने स्ट्रोक्स लगाए उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेंडिंग, सेम टू सेम डायरेक्शन में आपको ब्लेंडिंग करनी है। और हाईलाइट जहाँ पर थोड़ा सा कम है वहाँ पर ऊपर हाईलाइट के ऊपर आपको ब्लेंड कर देना है, और जहाँ पर एक्सट्रीम हाईलाइटेड है, जहाँ पर आपको हेयर के ऊपर में देख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा व्हाइट है, तो मैंने नॉर्मली व्हाइट छोड़ दिया और ब्लेंड भी नहीं किया, तो आपको दिख रहा है कि कैसे आप मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। और जहाँ पर आपको फिर से डार्क दिख रहा है वहाँ पर मैं फिर से डार्क कर दे रहा हूँ, बस यही चीज़ है, बेसिक से चीज़ है। तो चारकोल में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, तो मैं हेयर्स मैक्सिमम टाइम चारकोल से ही बनाता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। और चारकोल में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि बहुत ही ज़्यादा आपको ड्राइंग को ख़त्म भी कर सकता है, ये एकदम बर्बाद कर सकता है आपके ड्राइंग को अगर आपने हाथ से स्मच कर दिया तो, और बहुत ही ज़्यादा कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है क्योंकि इतनी मेहनत से आप एक ड्राइंग बना रहे हो और ख़त्म कर देता है ये आपका ड्राइंग। तो सावधानी रखना कि हाथ से खिसे नहीं, किसी भी चीज़ से खिसना नहीं चाहिए। तो अभी मैं एक्सट्रीम जो हाईलाइटेड पार्ट से उसको मैं टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से दे रहा हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल सा रबर काट के भी कर सकते हो, रबर काट करके भी मैंने पहले किया था। तो अभी मैं पेंसिल को पूरा शार्प कर ले रहा हूँ, एकदम टिप पॉइंट जो एकदम शार्प कर ले रहा हूँ, वहाँ से मैं जो एक एक हेयर से पतला पतला हेयर जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं उनको मैं दे रहा हूँ। तो बस यही था वीडियो में, तो होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तब तक के टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।